अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं निविश और आप देख रहे हैं इंस्टा स्टाइल, दी पर्सनल स्टाइल चैनल, पाकिस्तान फर्स्ट पर्सनल स्टाइलिंग चैनल। तो बस आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे एवरग्रीन साड़ी से रिलेट। तो हम एक स्टफ की बात करेंगे क्योंकि एवरग्रीन जो स्टफ है वो तो ज़्यादा होते हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो होगी तो आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आप देखेंगे नहीं। तो आज हम जो स्टफ़ की बात करेंगे वो है कोटा डोरिया। तो कोटा डोरिया स्टफ़ क्या होता है और ये किस तरह का होता है और किस तरह की साड़ीज़ होती हैं जो कि एवरग्रीन होती हैं, सदाबहार होती हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बात किया, हम बात करेंगे एवरग्रीन स्टफ है कोटा डोरिया, कोटा डोरिया स्टफ के बारे में बात करेंगे, उसकी साड़ी के बारे में बात करेंगे, कोटा डोरिया साड़ी किस तरह की होती है। तो जो कोटा डोरिया स्टफ है, जो कपड़ा होता है, इसको रेशम और कपास से मिला के बनाया जाता है और ये जो उसका डिज़ाइन जो है इस पर कुछ चौकोर चौकोर से डिज़ाइन मालूम होते हैं। हम आपके सहूलत के लिए कोशिश स्क्रीन पे शो करने के लिए ताकि आपको आइडिया हो सके कि कोटा डोरिया स्टफ जो है वो किस तरह का होता है। इंडिया में तो क्योंकि साड़ीज़ वेयर की जाती हैं नॉर्मली, वहाँ पे तो वेयर करती हैं साड़ीज़, और ये भी देखिए 40+50 ईयर्स की जो खवातीन होती हैं वो ये साड़ीज़ वेयर करती हैं। कोटा डोरिया जो स्टफ होता है इसकी साड़ीज़ वेयर करती हैं। दिखने में कुछ इसी टाइप का जो है ये क्लोथ होता है, सूती कपड़े से मिलकर बना होता है। जिन खवातीन को कॉटन और सूती कपड़े की साड़ियाँ पहनना पसंद होती हैं तो वो यकीनन कोटा डोरिया की साड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं। कोटा डोरिया स्टफ कुछ इस तरह का होता है, ये कपास और रेशम के धागों से मिलकर बनाया जाता है। जो दिखने में इसका लुक है वो कुछ इस तरह का आ रहा होता है और इस तरह की साड़ीज वेयर करना पसंद करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा खवातीन को इस तरह की साड़ीज वेयर किए हुए, इसके अलावा जो है वो वेयर करते हैं नॉर्मली। तो अगर आप जन की या सूती साड़ियाँ वेयर करना पसंद करती हैं तो कोटा डोरिया साड़ी जो है वो आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकती है और आपको पसंद आ सकती है। इसका स्टफ कुछ इस तरह मैंने आपसे शेयर किया। सिंपल साड़ीज होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जेरिंग एड नहीं होती, नॉर्मली इनके बॉर्डर्स छोटे बने हुए होते हैं या बॉर्डर भी होते हैं और इस तरह का जो है छोटे मोटिव्स होते हैं, चौकोर टाइप का डिजाइन के ऊपर बना होता है। ये कुछ इस तरह की होती हैं, जैसे कि सूती कपड़ा होता है, कॉटन में सख्त टाइप का एक एलिमेंट होता है, इस तरह का स्टफ वेयर करना पसंद करती हैं साड़ी, तो कोटा डोरिया जो है वो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो इस तो थी हमारी एक छोटी सी वीडियो रिलेट टू कोटा डोरिया साड़ीज, कि कोटा डोरिया साड़ीज जो है वो किस तरह की होती हैं और वो किस जो है वो धागों से मिलकर बनी होती है और उनको किस तरह वेयर करें। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चाहे अपनी जो फ्रेंड्स हैं जो साड़ी लवर्स हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स मिलते हैं ऐसी किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।